हे गाइस, दिस साइड हर्ष और आज मैं आपको बताने वाला हूँ केवाईसी स्कैम के बारे में। आखिर क्या होता है ये केवाईसी का स्कैम और किस तरह से जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं केवाईसी का स्कैम करते हैं और आपको उसका विक्टिम बना देते हैं। आखिर ये जो केवाईसी है क्या होता है, पूरा कॉन्सेप्ट इसका। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो केवाईसी है इसका मतलब होता है नो योर कस्टमर्स। और ये जो केवाईसी है ये कैसा कंसेप्ट है जो कि आरबीआई ने इंडिया की सभी बैंक्स के लिए निकाला था। और ये जो केवाईसी है इसका मतलब ये होता है कि अगर आप लोग इंडिया के सिटीजन हो और आपका बैंक अकाउंट इंडिया के किसी बैंक में है तो आपको अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए बैंक में कुछ डिटेल्स देनी होंगी, जैसे कि आधार कार्ड और आपका पैन कार्ड। क्योंकि जो आपका आधार कार्ड है और जो आपका पैन कार्ड है उसी के अंदर आपकी सभी की सभी आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, यहाँ तक कि आपके बैंक में कितने ज्यादा अमाउंट है, मतलब कितना मनी है, आपके जो मंथली ट्रांजेक्शन है आपके बैंक अकाउंट से वो कितने ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है, कितना पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, कितना जा रहा है, वो सभी कुछ डिटेल्स आप प्रोवाइड करते हो अपना पैन कार्ड और आधार कार्ड प्रोवाइड करते समय बैंक्स को। और यही होता है आपका पूरा केवाईसी, मतलब नो योर कस्टमर्स, आपका जो कस्टमर है वो कौन है और आखिर करता क्या है। तो ये सब कुछ होता है केवाईसी के अंदर। अब बेसिकली ये तो मैंने आपको बता दिया कि केवाईसी आखिर है क्या, लेकिन केवाईसी का जो स्कैम है वो किस तरह से ये जो स्कैमर्स लोग हैं ये करते हैं। देखो गाइस, जो केवाईसी का स्कैम है ना वो दो तरह से करा, एक तो सिंपली लिंक्स के थ्रू और दूसरा कॉल के थ्रू। अब मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो ये जो स्कैमर्स होते हैं ना, कई बार आपको व्हाट्सएप के मैसेजेस सेंड करेंगे, कई बार आपको नॉर्मल कॉल भी करेंगे और कई बार आपको ये टेक्स्ट मैसेजेस भी करेंगे। और जो टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं फिर जो व्हाट्सएप के मैसेजेस होते हैं, सिंपली लिखा होता है कि सर आपका जो बैंक अकाउंट है उसका केवाईसी है वो आपको अपडेट कराना है और वो आपको अपडेट कराना बहुत ज्यादा कंपलसरी है, तो आप सिंपली इस वाले लिंक पे क्लिक कर सकते हो और जो आपकी केवाईसी की डिटेल्स हैं वो आप यहां से अपडेट करा सकते हो। तो कई बार आप लोग लिंक पे क्लिक कर देते हो और सिंपली आप लोग उसके विक्टिम बन जाते हो। सबसे पहली चीज तो ये बात ध्यान रखिए कि जितने भी स्कैमर्स होते हैं इनमें से 70-80% स्कैमर ऐसा होता है जो कि ना bit.ly करके एक वेबसाइट होती है जहां पर लिंक क्रिएट करता है। तो कहीं सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप लोग कभी भी ऐसे लिंक को देखते हो bit.ly like bit.ly करके आप अगर किसी भी ऐसे लिंक को देखते हो तो प्लीज ऐसे लिंकों पर ना बिल्कुल अनजाने में ना क्लिक मत कर देना, कि ये बहुत खतरनाक होते हैं आज के टाइम में। और जो दूसरा वे है उसमें स्कैमर्स लोग आपको डायरेक्ट कॉल करेंगे और बोलेंगे कि सर जो आपकी केवाईसी की डिटेल्स है ना वो आपको अपडेट करानी पड़ेंगी, अगर आप अपडेट नहीं कराओगे तो हो सकता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो बिल्कुल डायरेक्ट बंद हो जाए। तो इस केस में क्या हुआ कि ये लोग आपको फिर कॉल में बोलेंगे कि सर आप एक काम करिए, आप एनी डेस्क डेस्कटॉप एक्सेस करके एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पे जाइए और उसको आप सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। अब कहीं सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो एनी डेस्क का सॉफ्टवेयर होता है आखिर ये होता क्या है। जो एनी डेस्क सॉफ्टवेयर होता है ये कैसा सॉफ्टवेयर होता है जिसमें कि आपको एक एड्रेस मिलता है, ठीक है, उस एड्रेस को ना आपको सामने वाले को ना प्रोवाइड करना होता है। इससे क्या होता है कि जो आपकी स्क्रीन होती है आइदर वो आपकी मोबाइल की हो और आपकी डेस्कटॉप की हो, मतलब लैपटॉप की स्क्रीन क्यों ना हो, वो जो भी स्क्रीन होगी ना वो दूसरे बंदे के पास शेयर हो जाएगी अगर आपने अपने एनी डेस्क का एड्रेस आपने शेयर करा होगा और किसी को, जैसा कि आप लोग देख रहे हो। तो ये होता है एनी डेस्क सॉफ्टवेयर का मतलब। अब ये लोग आपको इस तरह का सॉफ्टवेयर पहले डाउनलोड करवाएंगे, फिर बोलेंगे कि सर एक काम करिए आप पेटीएम में जाइए और फिर आपने एक नया क्रेडिट कार्ड या फिर एक नया डेबिट कार्ड कुछ भी आपने उसमें ऐड करिए ताकि मैं आपकी जो केवाईसी की डिटेल्स है वो अपडेट कर दूं। तो इस तरह से ये आप लोग को बोलेंगे। तो प्लीज इस चीज को ना बिल्कुल भी गाइस हाथ जोड़ के निवेदन है कि मत कर रहे हैं इन कामों को, क्योंकि फिर इससे क्या होगा कि जो आपकी कार्ड की डिटेल्स होंगी लाइक आपका जो सीवी होगा या फिर जो आपका कुछ भी पिन वगैरह होगा या फिर आपका यूपीआई आईडी का जो पिन होगा वो आपका ये सब कुछ ट्रैक कर लेंगे, लाइक सिंपली वो देख ही पाएंगे जब आप उनको अपनी स्क्रीन शेयर करने दोगे। और इससे क्या होगा कि आपका केवाईसी का स्कैम हो जाए, मतलब केवाईसी फ्रॉड के आप लोग विक्टिम बन सकते हो। तो गाइस प्लीज इस चीज को ध्यान रखिए। अब जो केवाईसी का ये जो पूरा स्कैम चलता है, अगर आप कभी विक्टिम बन चुके हो तो इस केस में ना आप दो काम कर सकते हो। सबसे पहली चीज तो आप लोग इस वाली वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो www.cybercrime.gov.in और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप लोग सिंपली 1930 मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हो, जिससे कि आपके साथ जो भी इंसिडेंट हुआ है वो आप सिंपली यहाँ पे बता सको और जो भी लाइक आपका अमाउंट है वो आपको रिकवर हो सके। तो गाइस ये कुछ मैंने आपको बातें बताई केवाईसी रिलेटेड फ्रॉड के बारे में, तो प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आपको फ्यूचर में भी और ऐसी वीडियोस चाहिए फिर अगर आप कभी भी किसी भी स्कैम का विक्टिम बन चुके हो तो हमको डीएम करिए, इंस्टा पर करिए, ठीक है, फिर आप यूट्यूब में ही कमेंट करिए।